वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले विराट कोहली ने जमकर बहाया पसीना, प्रैक्टिस करते हुए जिम में नजर आए। दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में होगा बदलाव, अक्षर पटेल टीम में होंगे शामिल। एशिया कप से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, केएल राहुल हुए फिट, शुरू की बैटिंग प्रैक्टिस। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने कहा, दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए रहाणे जैसे खिलाड़ी की जरूरत। राहुल द्रविड़ आयरलैंड दौरे पर नहीं जाएंगे, वीवीएस लक्ष्मण कोच होंगे। एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को 9 विकेट से हराया, साई सुदर्शन और अभिषेक ने जड़ी 50, पाकिस्तान से होगा अगला मुकाबला। एशियन सीरीज के चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किया प्लेइंग 11 का ऐलान, जेम्स एंडरसन की टीम में हुई वापसी। वुमेन एशियज के रोमांचक मुकाबले में 3 रन से जीता ऑस्ट्रेलिया, वनडे सीरीज 1-1 से बराबर। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने 221 रनों के स्कोर पर 5 विकेट गंवाए, अभी भी पहली पारी में 91 रन पीछे। अभिनव गौतमी की जोड़ी ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीती गोल्ड, कोरिया के चांग वोन को हराया। शॉटगन वर्ल्ड कप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल पर किया कब्जा, पृथ्वीराज ने मेंस ट्रैप इवेंट में दिलाई सफलता। कोरिया ओपन का आगाज आज से, पीवी सिंधु श्रीकांत टूर्नामेंट में अपना करेंगे अभियान शुरू। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कहा, यूएस ओपन हारकर मुझ पर गहरा असर पड़ा। भारतीय महिला हॉकी टीम को चीन के खिलाफ मिली हार, जर्मन दौरे पर है टीम इंडिया। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच ने पीएम मोदी को लिखा खत, एशियन गेम्स में टीम को भेजे जाने की मांग की। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ATP रैंकिंग में 7वें स्थान पर पहुंचे, 5 पायदान का हुआ फायदा। WFI के चुनाव फिर टले, गुवाहाटी हाईकोर्ट 28 जुलाई को करेगा अगली सुनवाई। वाइफ पंखुड़ी शर्मा संग विंबलडन फाइनल देखने पहुंचे कृणाल पांड्या, तस्वीरें हुई वायरल। नोवाक जोकोविच पर पेनल्टी लगी तो खुश हुए रविचंद्रन अश्विन, ट्वीट कर लिखा समय का उल्लंघन। सचिन तेंदुलकर ने विंबलडन चैंपियन अल्कराज की जमकर तारीफ की, फेडरर से की तुलना।